हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीजी जॉब्स अपडेट एंड ऑनलाइन क्लासेस। में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जो कि आपका संविदा के रूप में रहने वाला है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है राजनांदगांव, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय राजनांदगांव में यहाँ पर जो है वैकेंसी निकाला गया है। देख सकते हैं 14 फरवरी को यहाँ पर इसका जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि पूर्ण रूप से संविदा के रूप में रहने वाला है। इसमें केवल और केवल दो ही पद है। ठीक है, दो पद, ठीक है, संविदा के रूप में। पहला जो है आपका सहायक ग्रेड दो के लिए है, असिस्टेंट ग्रेड टू, और प्यून भृत्य इसके समकक्ष, इसके लिए दो पद है टोटल। तो इसका जो वेतनमान है संविदा के रूप में रहेगा, जो कि पूर्ण रूप से एक मुश्त वेतन दिया जाता है, 23,350 रुपये असिस्टेंट ग्रेड टू के लिए और 14,400 रुपये आपका पीयून के लिए यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, आवेदन करने का जो है अंतिम तिथि रखा गया है 6 मार्च 2024 शाम को 5 बजे तक, जो कि आपका साधारण डाक के या स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से किसी भी एक के माध्यम से आप यहाँ पर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, विभाग है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के अंतर्गत संचालित, जो कि आपका राजनांदगांव केंद्र में यहाँ पर निकाला गया है। इन तीन माध्यम से आवेदन जो है आपका स्वीकार किया जाएगा, अन्य किसी माध्यम से आवेदन जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, सीधे कार्यालय से या खुला या अन्य कुरियर के माध्यम से आप आवेदन करेंगे तो उसको यहाँ पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे इसके लिए हम जो है चयन प्रक्रिया के बारे में देखते हैं और क्या क्या यहाँ पर आपका जो है रहने वाला है प्रक्रिया में। आवेदन का अंतिम तिथि 6 रखा गया है मार्च को। योग्यता की बात किया जाए तो यहाँ पर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में आपने ग्रेजुएशन किया हो और साथ में डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर संबंधी परीक्षा आपका यहाँ पर लिया जाएगा, जो कि कौशल परीक्षा के रूप में भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा वृत्ति के जो है पद, इसके लिए केवल और केवल यहाँ पर 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस पद के लिए यहाँ पर इलिजिबल रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है अन्य शर्तें में यहाँ पर आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदन के लिए सत्यापित प्रमाण पत्र, जितने भी नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो जो भी है, रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। आरक्षित वर्ग से है तो आपके लिए जाति प्रमाण पत्र वगैरह भी अनिवार्य है। ठीक है, इसके बाद जो है इसके लिए जो है आवेदन करने का जो फीस रखा गया है, ठीक है, जो कि आपको डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा यहाँ पर आपको जमा करने होंगे, जो कि नाम रहेगा सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड केवी के राजनांदगांव, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय, ये केवी के राजनांदगांव। ठीक है, जो इसमें आरक्षित अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपये आपको पे करने होंगे डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा, और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को केवल और केवल यहाँ पर 200 रुपये आपको डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा जमा करने होंगे। ठीक है, यह जो नियुक्ति है इस प्रारंभ में 1 वर्ष के लिए रहेगा, जिसे 1-1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाकर कुल 2 बार बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से जो कुल अवधि रहेगा आपका नियुक्ति का वो 3 वर्ष का रहेगा। ठीक है, तो 3 वर्ष तक के आपका जो पद है वो संविदा के रूप में। ठीक है, ये रहा। अब इसके लिए और भी जो आवेदन का जो प्रारूप है इसी पीडीएफ लास्ट में दिया गया है, जिसे आप अच्छे से भर के और अच्छे से पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पर दिया गया है आवेदन के लिए, एक तो 5 रुपये के लिफाफा में आपको डाक टिकट के साथ अटैच करने हैं, साथ ही यहाँ पर 21 मार्च को इसका जो है मेरिट लिस्ट आपका जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट में, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट में, इसमें जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो भी है जिसको दावा पत्ति करना होगा उसके लिए यहाँ पर आपको 7 दिन का दिया जाएगा। 7 दिन के अंदर आप उस पर कुछ भी दावा पत्ति कर सकते हैं, जो भी है जिसको कुछ दिक्कत हो तो। ठीक है, बाकी आप इस ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर विजिट कर सकते हैं या फिर हमारा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको जो लिंक दिया है जिसमें से इसके द्वारा आप यहां पर इसका पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगा। इसके अलावा और भी कोई भी गवर्नमेंट वैकेंसीज या फिर ऐसे ही संविदा वैकेंसीज निकलता है, चाहे वो किसी भी विभाग का हो, उसके बारे में जानकारी हमारे टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है या
जो भी है शॉर्ट नोटिफिकेशन वगैरह भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, पीडीएफ का लास्ट में ही आपको फॉर्मेट दिया गया है, इसको आप प्रिंट करके इसे फिल कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।